हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोर ग्रुप चैनल। आप सभी का स्वागत है। आज हम स्केलर्स और वेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने मोशनल स्ट्रेट लाइन के ऊपर वीडियो बना रखी है, तो अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जिसका मैंने एक प्लेलिस्ट बना दिया जिससे आपको ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। स्केलर्स और वेक्टर्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक टेबल रखा है, बनाया हुआ है, जिससे मैंने यहाँ पर स्केलर्स को लिखा है या वेक्टर्स को लिखा है। तो स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है? ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो, उसे हम स्केलर्स कहते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ साथ में डायरेक्शन भी हो। इसीलिए मैंने लिखा है फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, एंड फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अगर हम स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन दे दें तो मीनिंगलेस होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर बोलो 5 kg इन साउथ डायरेक्शन, तो उसका कुछ मीनिंग नहीं बनता है। उस तरह से अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी को डायरेक्शन ना दूँ तो उसका मीनिंग नहीं बनेगा, क्योंकि उसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। अगर बोलो डिस्प्लेसमेंट 5 meters से, पर मैंने डायरेक्शन बताया ही नहीं, तो वो डिस्प्लेसमेंट ना करा के डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि मैंने डायरेक्शन बताया नहीं। अगर डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे राइट लेफ्ट आगे पीछे, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोलो 5 meters अपवर्ड तो वो एक अलग चीज़ होगा, और अगर मैं बोलो डिस्प्लेसमेंट 5 meters डाउनवर्ड तो एक अलग अलग चीज़ होगा। दोनों सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करता है। 5 meter डिस्टेंस दोनों में सेम है, क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग है, इससे वो चीज़ अलग बन गई। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए स्केलर्स के। पहला है मास, फिर डिस्टेंस, टाइम, वर्क, स्पीड। ये सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड तो है पर डायरेक्शन नहीं है। वेक्टर्स का एग्जांपल देखेंगे तो पहला एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। अब हमने डिफरेंस देख लिया। अब हम देख लेते हैं कितने तरह के वेक्टर्स होते हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर में जो पहला वेक्टर है वो है जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। जीरो वेक्टर किसे कहते हैं? एक ऐसा वेक्टर जिसके पास मैग्नीट्यूड भी जीरो हो और कोई डायरेक्शन भी ना हो। मतलब ऐसा वेक्टर जिसके पास जीरो मैग्नीट्यूड हो और नो डायरेक्शन हो, उससे हम क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। इसके बाद जो नेक्स्ट वेक्टर का टाइप है वो हम देखते हैं, उसका नाम है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, मतलब यूनिटी होती है उसकी मैग्नीट्यूड, और एक फिक्स डायरेक्शन में होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल आई कैप, जे कैप, के कैप, जो यूनिट वेक्टर से अलाउ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रेस्पेक्टिवली। फिर आता है पैरेलल वेक्टर और नॉन पैरेलल वेक्टर। ऐसे वेक्टर्स जो पैरेलल होते हैं एक दूसरे से, विच आर पैरेलल टू ईच अदर, उसे हम कहते हैं पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर्स विच आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर, उसे हम कहते हैं नॉन पैरेलल वेक्टर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इक्वल वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? ऐसे वेक्टर्स जिसके पास सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो, उससे हम कहेंगे इक्वल वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक वेक्टर ड्रॉ करूँ, वेक्टर ए, और उसी तरह से मैं एक और वेक्टर ड्रॉ करूँ जिसका लेंथ भी सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। तो ये जो वेक्टर ए है मेरा और जो मेरा वेक्टर बी है, दोनों सेम हो जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि इनका लेंथ भी सेम है और इनका डायरेक्शन भी सेम है, तो ये इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। अब नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? अब नेगेटिव वेक्टर को देख लेते हैं। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? तो नेगेटिव वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर एक डायग्राम समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वेक्टर ए मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, ठीक है। इसका अगर मुझे नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना हो तो इसके जितना इसका मैग्नीट्यूड है ना, सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर होगा, सिर्फ डायरेक्शन अपोजिट होगा। वेक्टर बीच है अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर। ए वेक्टर ए है और इसका एक मैंने क्या किया, एक ऐसा वेक्टर बना जो इसका अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये वेक्टर जो दूसरा वाला बना ना, ये नेगेटिव वेक्टर है पहले वाले का, वही मैंने यहाँ पर लिखा है। वेक्टर विच हैव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर इज कॉल्ड नेगेटिव वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। मतलब ये वेक्टर ए मैंने लिया और इसका एक और वेक्टर बनाया जिसका मैग्नीट्यूड सेम है बस डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये जो ये वाला वेक्टर है वो इसका नेगेटिव वेक्टर है इस ए का, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कोलिनियर और नॉन कोलिनियर वेक्टर्स के बारे में। ऐसे वेक्टर्स जो कोलिनियर होते हैं उन्हें हम कहते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर का मतलब होता है एक लाइन में होना। और ऐसे वेक्टर्स जो नॉन कोलिनियर होते हैं, मतलब एक लाइन में नहीं होते, उसे हम कहते हैं नॉन कोलिनियर वेक्टर। मैं आपको डायग्राम यहाँ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, वेक्टर ए है, ठीक है, और ये दूसरा वेक्टर जो इसकी सेम लाइन में है, तो दोनों वेक्टर्स कोलिनियर वेक्टर्स हैं।
और मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ एक वेक्टर है, वेक्टर ए, और यहाँ पर दूसरा वेक्टर है जो इस ऐसे जा रहा है। तो ये दोनों वेक्टर्स एक लाइन में नहीं है, ये यहाँ पर है और यहाँ पर सेम लाइन पर नहीं है। तो ये जो वेक्टर है ये इसको हम कहेंगे कोलिनियर वेक्टर, जो सेम लाइन में होंगे, और इसे हम कहेंगे नॉन कोलिनियर वेक्टर। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट जो वेक्टर का टाइप है वो पोजिशन वेक्टर्स। पोजिशन वेक्टर्स क्या होते हैं? एक ऐसे वेक्टर होते हैं जो बताते हैं किसी पार्टिकल की पोजिशन के बारे में, मतलब उसका एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस है, वाई से कितना है, जेड से कितना है, तो उससे हम कहते हैं पोजिशन वेक्टर। इसका एग्जांपल हम मोशन इन टू डायमेंशन में यूज़ होगा इसका। तो एग्जाम्पल यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। देखो ये एक्स एक्सिस है, मैं इसको वाई देता हूँ और मैं यहाँ ड्रॉ करता हूँ एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर एक पार्टिकल है पॉइंट पी, तो इसका मुझे बताना है, इसका मुझे पोजिशन बताना है। तो इसका इसको पोजिशन को डिस्क्राइब करने में मैं पोजिशन वेक्टर यूज़ करूँगा, जिसको हम लिखते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। बोलेंगे एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये एक्स तो एक्स एक्सिस के लिए बता रहे हैं हम लोग, वाई जो है वाई एक्सिस के लिए। मैं बोले ये पॉइंट पी है ना, तो यहाँ पर इसका एक्स एक्सिस में कुछ डिस्टेंस होगा, जिससे मैं लिखता हूँ एक्स, और यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा उसमें लिखता हूँ वाई, ठीक है। अब ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, इसका यूनिट वेक्टर अलग एक्स एक्सिस क्या था आई कैप, और यूनिट वेक्टर अलॉन्ग जे एक्सिस क्या था, मतलब अलॉन्ग वाई एक्सिस क्या था जे कैप। तो यहाँ पर आई वेक्टर आई कैप है और यहाँ पर क्या जे कैप है, आई कैप और जे कैप। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर है ना, तो इसका डायरेक्शन इस तरफ है, मैग्नीट्यूड इसका वन है। तो मैं अगर एक्स से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे पूरा यहाँ तक का वेक्टर मिल जाएगा। तो इसका पोजिशन क्या है, इतना डिस्टेंस एक्स एक्सिस में और इस डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस इस डायरेक्शन में, इसका मतलब इस डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस और जे कैप के डायरेक्शन में वाई डिस्टेंस, दोनों को ऐड करेंगे तो इसका पोजिशन मिल जाएगा। तो पोजिशन वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, जो पोजिशन का है बताता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय रियल नंबर। कोई एक वेक्टर है, सपोज ये वेक्टर ए है, ठीक है। इस वेक्टर ए को मैं किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस वेक्टर ए को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा? तो यहाँ पर इसका दो टाइप है, अगर मैं वेक्टर किसी वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ या नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ। मैंने वेक्टर ए ले लिया, इसको मैं अगर टू से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो यहाँ पर एनसीईआरटी में आप कैसे बताया हुआ रिप्रेजेंटेशन कि अगर मैं इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करूँ, लैम्डा कोई रियल नंबर है, ठीक है, तो ये इसका डायरेक्शन ये कुछ ऐसा बन जाएगा, जो नया वेक्टर होगा, मतलब ये जो नया वेक्टर है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, मैं रियल नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा तो लैम्डा टाइम्स ये बन जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर मैं पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, सेम डायरेक्शन रहेगा, बस इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। और कितना डाइस बढ़ेगा जितना इस नंबर से मल्टीप्लाई करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर इसको वन लिखूँ, तो मैं अगर इसको टू से मल्टीप्लाई कर दूँ तो डबल टू एक हो जाएगा ऐसा, मतलब जितना इसका लेंथ है उसका ये लेंथ डबल है, बट डायरेक्शन क्या सेम है क्योंकि मैंने पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है। अगर मैं इसी जगह पर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूँ, फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए है, मैं इसे माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दूँ, माइनस ए टाइम्स जो रियल नंबर था, लैम्डा था मेरा, वो मैं यहाँ पर माइनस वन ले रहा हूँ, इसी फॉर्मूले से आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये इसका अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, फिर मैं माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, तो ये नेगेटिव वेक्टर से काम कर रहा है। तो अगर मैं इसको माइनस 1.5 से मल्टीप्लाई करूँ तो उस वक्त इसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा और साथ साथ में डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो कभी भी हम लोग नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव वेक्टर बन जाएगा, अगर 1 से ज़्यादा नंबर रहेगा तो उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ेगा और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा ए वेक्टर से, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन वेक्टर का टाइप है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो इनिशियल जो वेक्टर है उसी डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन रहेगा, अगर पॉजिटिव नंबर है तो। अगर नेगेटिव नंबर है तो उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो उतना टाइम्स उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन वेक्टर देख लिया, अभी हम देखने वाले हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन वेक्टर। तो अगर दो वेक्टर्स हैं जो पैरेलल है एक दूसरे से या सेम डायरेक्शन पे हैं, फॉर एग्जांपल देखो वेक्टर ये मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया जिसका 2 मीटर डिस्टेंस है और इस डायरेक्शन में जा रहा है राइट डायरेक्शन में, और ये टू इसका दूसरा वेक्टर जो 1 मीटर है इसका मैग्नीट्यूड और ये भी राइट डायरेक्शन में जा रहा है। दोनों का वेक्टर इसका डायरेक्शन सेम है, एक दूसरे से पैरेलल है और मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो रिजल्टेंट जो इसका एडिशन करने के बाद जो फाइनल वेक्टर बनेगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा, मतलब इंडिविजुअल। देखो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर दो वेक्टर्स पैरेलल एक दूसरे से, मतलब इसका मतलब ये सेम डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो दो इंडिविजुअल वेक्टर को ऐड करने से मिल जाएगा, मतलब इसका 2 और इसका 1 ऐड करने पर 3 आएगा, और डायरेक्शन जो इन दोनों के डायरेक्शन में ही आगे जाएगा, मतलब दोनों जैसे डायरेक्शन ओरिजिनल वेक्टर से था वही डायरेक्शन इसका भी रहेगा। बट इसी जगह पर अगर क्या हो जाए, वेक्टर्स ऐसे जो
एक दूसरे से अपोजिट एक्शन पे, एंटी पैरेलल कह लें लोग, एंटी पैरेलल है। मतलब देखिए जैसे आपने डायग्राम में ड्रॉ किया हुआ, एक वेक्टर है जो 2 मीटर्स का है मैग्नीट्यूड और वो राइट में जा रहा है, और दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 मीटर है और लेफ्ट में जा रहा है। तो अगर मैं इनका रिजल्टेंट निकालूँ तो वो क्या होगा, क्योंकि देखो ये राइट राइट में जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, दोनों दोनों में से कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो रिजल्टेंट बचेगा वो बड़ा तो इस डायरेक्शन में था, तो रिजल्टेंट जो होगा डायरेक्शन क्या होगा, मैंने यहाँ पर लिखा है इन द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर, जो बड़ा वेक्टर होगा उस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अभी अगर यहाँ पर बड़ा वेक्टर होता तो ये इस रिजल्टेंट वेक्टर इस डायरेक्शन में होता, पर इसका मैग्नीट्यूड कम है, इसका ज़्यादा है, तो इसलिए रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो राइट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इंडिविजुअल मतलब क्या करना है कि अगर कोई वेक्टर एंटी पैरेलल है तो आपको जो डिफरेंस होगा वही, उसको डिफरेंस निकालेंगे तो हमें रिजल्टेंट मिल जाएगा। मतलब ये 2 है और 3 है अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो, डिफरेंस निकालो तो इंडिविजुअल वेक्टर्स का, तो आपको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। और डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, जो वेक्टर बिगर होगा उस डायरेक्शन में आपका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। ठीक है, अभी हमने एडिशन ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर देखा, बट अगर वेक्टर्स पैरेलल एंटी पैरेलल ना हो, कुछ एंगल पे हो जैसे यहाँ पर है, तो उस टाइम में हम उनका एडिशन कैसे निकालेंगे, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ये वेक्टर ए है हमारा और ये वेक्टर बी है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट निकालना है, इनको इन वेक्टर्स को ऐड करना है, तो ऐड कैसे करेंगे, तो इसका रूल है वो क्या बोलते हैं, अगर दो वेक्टर्स है जिसमें कुछ एंगल बनता है तो हमें उन वेक्टर्स को ऐसे अरेंज करना है जिससे वो रिप्रेजेंट करे 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तुमने क्या किया, इस वेक्टर मेरा ए है यहाँ पर, मैंने इसको ऐसे रखा, और जो मेरा वेक्टर बी है उसको मूव करके इसके एंड पे ले आया, मतलब इसके इसके इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इसका एंडिंग पॉइंट, मैं इसके एंड पे इसका स्टार्टिंग पॉइंट ले आया ये वेक्टर बी का। ठीक है, तो मैंने ऐसे बना दिया दो, ये इसमें क्या हुआ कि वेक्टर सी और वेक्टर बी जो है यहाँ पर, ये रिप्रेजेंटिंग द 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल है। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो क्या होगा, ए का स्टार्टिंग पॉइंट और बी के एंडिंग पॉइंट को जोड़ देंगे, तो वो जो ये वेक्टर हमारे में रेड लाइन से जो शो किया है वो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो मेरा आर है वो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, उसका डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा जैसे मैंने यहाँ पर शो किया, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को ऐड करने से मिलेगा। यहाँ जो एडिशन है वो सिर्फ नंबर का एडिशन नहीं है, यहाँ वेक्टर एडिशन है, वेक्टर से वेक्टर बी का जो है यहाँ पर वेक्टर एडिशन है, और वेक्टर एडिशन में इसका मैग्नीट्यूड जो है, आगे हम देखेंगे कैसे वेक्टर एडिशन करते हैं, उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है उसका रिजल्टेंट वेक्टर का। बट अब हम देख ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में बोल देता हूँ कि उसका स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट बोलता है कि इफ़ 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग द 2 साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन इन ऑर्डर, टेकन इन ऑर्डर मतलब क्या कि इसका स्टार्ट एंडिंग पॉइंट दूसरे वेक्टर का स्टार्टिंग पॉइंट है, मतलब सेम ऑर्डर में है, तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट ऑर्डर में होगा, मतलब ये सेम ऑर्डर में रिजल्टेंट वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में होगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो वैल्यू होगा वो ए प्लस बी बन जाएगा। ठीक है, हमने ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख लिया, अब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखने वाले हैं। तो जैसे मैंने ऊपर यहाँ पर देखे वेक्टर ए और वेक्टर बी मैंने लिया था, मैंने वैसे वेक्टर्स को वापस से यहाँ पर लिखा वेक्टर ए और वेक्टर बी के ले लिया है। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, बोलता है कि अगर 2 वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे 2 साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, ठीक है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना वो जाएगा अलॉन्ग द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, मतलब जो इस पैरेललोग्राम हम बनाएंगे, अगर इस बी वेक्टर का मैं इक्वल वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करूँ और ए का इक्वल वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करूँ, यहाँ पर ड्रॉ करूँ इक्वल वेक्टर ए का, और बी का मैं इक्वल वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो इट इज़ समवर्ट रिप्रेजेंटिंग लाइक ए पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल है और इक्वल है, तो ये जो डायगोनल है ना ये शो करेगा डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर आर, और जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर एडिशन हम कर रहे हैं इससे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का सम हो जाएगा, ये जो सम होगा वेक्टर सम होगा। अब अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखोगे तो ये था तो पैरेललोग्राम लॉ, क्योंकि ये 2 साइड्स पैरेललोग्राम को रिप्रेजेंट कर रहे थे और डायगोनल शो कर रहा था डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट,
बट अगर मैं इसको इक्वल वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो देखो टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल बन गए यहाँ पर, तो जो सेकंड सेम ऑर्डर, तो रिजल्टेंट वेक्टर अराउंड दिस जाएगा। मतलब ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ कोई डिफरेंट चीज़ नहीं है, दोनों सेम है। तो अभी हम लोगों ने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखा, अब हम पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखेंगे। तो पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कि अगर बहुत सारे वेक्टर्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं साइड्स ऑफ पॉलीगॉन और वो सेम ऑर्डर में है, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर होगा स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द इनिशियल वेक्टर टू द एंडिंग पॉइंट ऑफ द फाइनल वेक्टर। मतलब ये जो होगा ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, ये आर जो मैं लास्ट में शो किया वो। तो ये एक्चुअली में यहाँ ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का मतलब बोल सकते हैं उसी से बन के आया हुआ, क्योंकि अगर आप मैं बोलता हूँ ये वेक्टर ए है, ये मेरा वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है, ये वेक्टर डी है, ठीक है। तो अगर देखो आपको पॉलीगॉन लॉ नहीं पता था, आपको ट्राइंगल लॉ तो पता है। तो ये दो साइड्स, दो जो वेक्टर्स है रिप्रेजेंट कर रहे साइड्स ऑफ ट्राइंगल टेकन सेम ऑर्डर, तो ये जो ये वेक्टर है ये शो रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी रिजल्टेंट वेक्टर, और ये ट्राइंगल लॉ से निकाला। अब ये जो ये साइड है और ये जो सी है ए प्लस बी और ये सी भी सेम ऑर्डर में है, तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो ये रहेगा ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब जो इसको मैं अगर इस जी से ऐड करूँगा तो देखो मैं ट्राइंगल लॉ वापस से लगा सकता हूँ, क्योंकि ये वेक्टर सेम ऑर्डर में है, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, सबको ऐड करना पड़ेगा। तो मैं बोल सकते पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कुछ नहीं है, बस ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को बार बार यूज़ करना पड़ता है। मतलब रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज ए पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। अभी हम लोग ने एडिशन ऑफ वेक्टर्स देख लिया, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देखेंगे, वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो एक्चुअली में सब्ट्रैक्शन कोई लॉ ही नहीं है, हम लोग जितने भी लॉ पढ़ते हैं पैरेललोग्राम लॉ, ट्राइंगल लॉ या पॉलीगॉन लॉ, सारे वेक्टर एडिशन लॉ है, कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन लॉ है ही नहीं। तो हम लोग कैसे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन करते हैं? सपोज पीछे भी जैसे मैं वेक्टर है तो उन्हीं वेक्टर्स को आपस में ड्रॉ किया वेक्टर ए और वेक्टर बी, ठीक है। अब अगर मैं इनका एडिशन करूँ तो ट्राइंगल लॉ के हिसाब से भी वो यहाँ, क्योंकि इसका मैं यहाँ पर लूँगा एक वेक्टर, मतलब इक्वल वेक्टर यहाँ पर ड्रॉ करूँगा और जो इसके सेम ऑर्डर में होगा, फिर मैं यहाँ से ड्रॉ करूँगा रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन आएगा। उस तरह से अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाऊँ उसमें भी क्या होगा, ये वेक्टर ए वेक्टर बी रिप्रेजेंटिंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, तो ये डायगोनल क्या शो करेगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। बट जब हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पर लिखा, अगर मैं वेक्टर ए को वेक्टर बी सब्ट्रैक्ट करना चाहूँ तो मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ कि मैं वेक्टर ए और माइनस ऑफ वेक्टर बी को ऐड कर रहा हूँ, बस इसी को यूज़ किया। हम लोग वेक्टर से सब्ट्रैक्शन नहीं करते, हम लोग इसी एक वेक्टर को उसके नेगेटिव वेक्टर से ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बन जाता है। जैसे मैं यहाँ पर देखो जो अच्छे से इसी वेक्टर्स को मैंने यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी को यहाँ पर बताया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। अभी इसका अगर मैं इसका एडिशन करूँ वेक्टर या वेक्टर बी का एडिशन करूँ तो ये जो लाइन रेड लाइन में शो की है वो होगा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का एडिशन, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। तो अब ये पैरेललोग्राम लॉ से भी बोल सकते हैं डायगोनल से अलॉन्ग द डायगोनल, या ट्राइंगल लॉ से बोल सकते हैं वेक्टर ए और इसका इक्वल वेक्टर बना दो वेक्टर बी यहाँ पर टेकन सेम ऑर्डर तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन ही होगा। अगर मैं वेक्टर ए का इक्वल वेक्टर यहाँ बना दूँ वेक्टर, ठीक है, तो उस वक्त भी क्या होगा, ये देखो ये वेक्टर बी ये वेक्टर ए सेम ऑर्डर में, तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर यहीं पर होगा, ठीक है। तो चाहे वो ट्राइंगल लॉ लगाओ चाहे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ, आंसर तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन सेम ही आएगा दोनों से भी। पर अगर मुझे सब्ट्रैक्शन करना हो वेक्टर ए को वेक्टर बी सब्ट्रैक्ट करना हो तो वेक्टर बी तो यहाँ पर है, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। और मैं इस वेक्टर को अराउंड दिस लाइन फिर मेरे को एडिट सब्ट्रैक्ट करना, तो मैं ओवरलैप के दोनों को एक साथ रखें, तो मैं इसमें इस बी को नेगेटिव डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पर कुछ इक्वल लेंथ है इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, तो ये नेगेटिव वेक्टर है बी का। अगर मैं इस ए को इस नेगेटिव वेक्टर से ऐड कर दूँ तो जो मुझे मिलेगा वो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या करते हैं, उसी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लेते हैं और फिर उससे दोनों को ऐड कर देते, सब्ट्रैक्शन मिल जाता है हमको। तो उसमें अब देखो इसमें क्या होगा, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, अभी क्योंकि नेगेटिव वेक्टर है फर्क नहीं पड़ता, इसका मान लो बी वेक्टर है या कोई दूसरा वेक्टर है, अब इन दोनों को ऐड करोगे रिजल्टेंट वेक्टर अलॉन्ग द डायगोनल आएगा, तो ये जो होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए, ऐसे यहाँ माइनस बी लिखूंगा। अब इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँगा आगे जाके तो मुझे मिलेगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, बस यही है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर।
अगर आप इस ट्रायंगल लॉ से भी निकाल सकते हो, ये माइनस भी होगा, इक्वल वेक्टर, आप दोनों को ऐड करोगे सेम ऑर्डर में है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन यही होगा। अगर मैं इक्वल वेक्टर ए का यहाँ बना दूँ, दोनों सेम ऑर्डर में जा रहे हैं, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन यही होगा, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ए माइनस बी को मिल ही सकता हूँ, ए प्लस माइनस ऑफ बी, मतलब मैं ए वेक्टर को ऐड कर रहा हूँ नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी से, तो मुझे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर मिलता है, ठीक है। अब देखते हैं हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर अभी निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो मैंने इस डायग्राम को समझिए, क्योंकि ये डायग्राम का समझ में आ गया आपको, तो ये डेरिवेशन कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल सा डेरिवेशन है। तो डायग्राम में मैंने यहाँ पर वेक्टर ए लिया हमने, यहाँ वेक्टर बी लिया, अब दोनों वेक्टर से इसके बीच में एंगल थीटा है। अब पहले में हम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बोल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर है इसमें एंगल थीटा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होता है अलोंग डायगोनल ऑफ द पैरेलोग्राम होता है। तो इसलिए हमें याद रखना पड़ेगा, इस वेक्टर ए का इक्वल वेक्टर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, इस वेक्टर बी का इक्वल वेक्टर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, और फिर मैंने डायगोनल ड्रॉ किया, और जो डायगोनल वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, और जो वेक्टर एडिशन होगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का। अब इतना तो हमें पहले ही पता था, बट अभी हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, एक्चुअल मैग्नीट्यूड, तो इसका डेरिवेशन। इसमें क्या करते हैं, देखिए अब ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये वेक्टर एक दूसरे से पैरेलल है, हाँ क्योंकि पैरेलोग्राम है ना, तो पैरेलल तो रहेगी। अब अगर मैं इस वेक्टर बी को आगे एक्सटेंड करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर किया, और मैं इसको क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ यहाँ पर, ओ तो ये एंड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें, मैंने इसे यहाँ पर ड्रा किया, मैंने मान के लिए यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा किया तो 90 डिग्री है। अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा। अभी कैसे, अब आपको ये तो पता होगा ना कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर मैं एक ट्रांस दो पैरेलल लाइंस हैं, और अगर मैं यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल से ड्रा करूँ, जैसे ट्रांसवर्सल है, तो ये जो एंगल होगा और ये एंगल सेम होगा, मतलब समझ में आपको क्या कहा। देखिए ये दो लाइन पैरेलल है ना, तो अगर एक स्ट्रेट लाइन इसमें इंटरसेक्ट करती है दो लाइंस को, तो जितना एंगल यहाँ पर होगा वही एंगल यहाँ पर भी होता है, इसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहते हैं। अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप यहाँ से देख लो, ये एंगल और ये पूरा एंगल सेम होगा, क्यों, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेलोग्राम, और ये एंगल सेम होगा क्योंकि दोनों जेड बना रहे हैं अल्टरनेट एंगल्स, तो ये एंगल सेम है ना, ठीक है। अब ये एंगल सेम हो गए। अब ये आपका वेक्टर ए है, अगर मैं इस ट्रायंगल में छोटे इस ट्रायंगल में देखूँ, तो अगर मैं इस साइन थीटा लगाऊँ, साइन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो मुझे अगर अपोजिट का वैल्यू चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए कॉस थीटा। अभी मैंने कैसे लाया मैं बोल देता हूँ, इस ट्रायंगल में वो साइन थीटा अप्लाई करूँ, साइन थीटा तो क्या होगा, अपोजिट मतलब ओ क्यू एन अपॉन ए, तो मुझे क्यू एन निकालना, मैं क्या करूँगा, क्यू एन इज इक्वल टू बनेगा ए साइन थीटा, तो मैंने क्यू एन इज इक्वल टू ए साइन थीटा था, उसी वजह से मैं कॉस थीटा निकालूंगा, तो कॉस थीटा क्या होगा, पी एन अपॉन ए, तो पी एन क्या बनेगा, पी एन बनेगा ए कॉस थीटा। तो मैंने वैसे यहाँ पर ए कॉस थीटा और ए साइन थीटा मैंने यहाँ पर लिख के रखा हुआ। अब मैंने ए को रिजॉल्व किया, मतलब ए के वेक्टर्स को इसका और इसका वैल्यू निकाल दिया। अब आप इस बड़े ट्रायंगल में देखोगे, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल का नाम यहाँ पर लिखा हुआ, जैसे ओ क्यू एन, ओ क्यू एन ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो मुझे ये जो आर ना, ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है ओ क्यू, और इसका वैल्यू आपको पता है, इसका वैल्यू आपने निकाला, और ये आपको मालूम बी है, ठीक है। अगर मैं पैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊँ, तो पाइथागोरस इसी राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ, जो तीनों साइड्स को का बोलता है कि मतलब हाइपोटेन्यूस का सम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल सम ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर, मतलब ये इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, दोनों को ऐड कर देंगे तो मिल जाएगा। ये पाइथागोरस थ्योरम मैंने पढ़ा देगा लोअर क्लासेस में, टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़ा देगा। तो अब इसमें ओ क्यू का वैल्यू क्या है, मैंने आ रखा है यहाँ पर, क्योंकि मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है। अब ओ एन का वैल्यू मैंने यहाँ पर बी वेक्टर बी प्लस ए कॉस थीटा यहाँ रखा है, और ओ क्यू एन का वैल्यू जो मैंने यहाँ से निकाला था ए साइन थीटा मैंने यहाँ पर रखा है। अब इसके बाद मैंने इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया, तो ए स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगता है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, ए बी है तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसके बाद टू, फिर एक बार ये वाला टर्म आएगा पूरा ए कॉस थीटा इंटू बी,
तुमने इसको पूरा सिंपल ओपन किया स्क्वायर को, और फिर मैंने स्क्वायर को भी ओपन किया, तो ए स्क्वायर प्लस साइंस का थीटा बन गया। अब मैंने ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर साइंस का थीटा को साथ में लाया, और टू ए बी कॉस थीटा को यहाँ पर रखा और बी स्क्वायर को यहाँ पर रखा। फिर मैंने कॉस स्क्वायर थीटा और साइंस का थीटा जो यहाँ पर है इसको मैंने बोला कि वन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो अपने टेस्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा गया कि साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा इक्वल टू वन होता है, तो इक्वल टू वन हो गया। बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा बन गया, तो यहाँ पर आर स्क्वायर, तो अगर आर का वैल्यू निकालना है तो बनेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, जहाँ पर थीटा क्या है एंगल बिटवीन टू वैक्टर्स, ए और बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द वैक्टर ए एंड वैक्टर बी, और आर क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वैक्टर जो हम निकाल रहे हैं आर। अभी आप अगर एन सी आर टी में देखोगे तो इसे एन सी आर टी में कहा गया है लॉ ऑफ कोसाइन, क्या कहा गया है लॉ ऑफ कोसाइन। अब बोलोगे लॉ ऑफ कोसाइन क्या है, कोसाइन ले मतलब हम लोग मैथ्स में पढ़ेंगे, उसमें क्या है मतलब कि अगर तीन एक ट्राइंगल बना दिया हमने, ट्राइंगल का एक का साइड जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर सी है, तो वहाँ पर सी का वैल्यू सी मतलब सी का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कोसाइन लॉ यूज़ करते हैं, वो भी इसका फॉर्मूला सेम ऐसे ही बनता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि लॉ ऑफ कोसाइन से मैच कर रहा है, इसलिए इसको लॉ ऑफ कोसाइन बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब हमने मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया, अब हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे। तो ये वेक्टर है वेक्टर भी जैसे पीछे डायग्राम बनाया था मैंने उसी डायग्राम को वापस यहाँ पर बनाया। अभी इस ट्रायंगल में अगर हमने पीछे निकाला था तो जो क्यू एन आपका आया था वो ए साइन थीटा, और जो पी एन आया था आपका ए कॉस थीटा आया था। अगर उसी तरह से मैं इस वही ट्रायंगल में देखो ट्रायंगल ओ क्यू एन में जहाँ पर ये 90 डिग्री है और यहाँ पर जहाँ पर थीटा था अब यहाँ पर अल्फा है एंगल, तो और ये ध्यान रखना जो अल्फा एंगल है वो रिजल्टेंट वेक्टर आर और वेक्टर बी के बीच में, वैसे यहाँ पर एक बीटा एंगल भी है जो रिजल्टेंट वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच में है। तो अगर मैं इस बड़े ट्रायंगल में देखूँ इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो अगर मुझे क्यू एन निकालना है तो जैसे यहाँ पर ए साइन थीटा आया था, अगर बड़े ट्रायंगल में देखा जाए तो यहाँ पर क्या आएगा ए साइन अल्फा आएगा, ए के मतलब आर साइन अल्फा आएगा, ए साइन अल्फा नहीं आर साइन अल्फा आएगा। तो वही मैंने यहाँ पर क्या है अगर इस बड़े ट्रायंगल में देखे ओ क्यू एन में, तो जो क्यू एन होगा वो आर साइन अल्फा आएगा, और छोटे ट्रायंगल में देखे तो क्यू एन होगा ए साइन अल्फा आएगा, तो क्यू एन दोनों के लिए सेम है। इसको मैं इक्वेट करूँ तो आर साइन अल्फा इज इक्वल ए कॉस थीटा बनेगा, और फिर अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूँ तो आर साइन आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल ए अपॉन साइन अल्फा बनेगा। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन बना रहा हूँ। अगर मैं अब क्या करूँ यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इसके ऊपर क्यू ओ क्यू के ऊपर फ्रॉम पॉइंट पी, मतलब इस पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ इस साइड के ऊपर, और यहाँ पर इस पॉइंट टी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। ठीक है, तो अब अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूँ अगर मैं पी टी निकालूँ, तो अगर मैं इस और जैसे यहाँ पर बहुत नशे वैसे यहाँ पर भी होगा एन टी डी राइट एंगल ट्रायंगल है ये वेक्टर ए है, तो अलॉन्ग अगर मैं थीटा के मतलब जैसे एंगल था एंगल के नीचे जाऊँ तो कॉस थीटा बनता है, वैसे यहाँ पर जब मैं आऊँगा तो ये जो हो ना क्यू टी वो क्या होगा ए कॉस बीटा, और जब मैं पी टी होगा वो क्या होगा ए साइन बीटा। तो वैसे पी टी इसी को उससे एक बार क्या आएगा ए साइन बीटा आएगा, अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ये बी कॉस बीटा होगा और ये बी साइन बीटा होगा, तो ये जो परपेंडिकुलर वाला, तो यहाँ दो ये पी टी दोनों के सेम है, तो पी टी इज इक्वल बी कॉस बी साइन अल्फा इज और पी टी इज इक्वल टू ए साइन बीटा, दोनों इक्वल है पी टी दोनों के सेम है, तो ए अपॉन साइन बीटा आएगा, और ए अगर मैं इसको मतलब बी को यहाँ रखूँ और साइन बीटा को नीचे रख जाऊँ तो मेरा बनेगा बी अपॉन साइन बीटा, उसी तरह से ए को यहाँ रखूँ और मैं साइन अल्फा को नीचे भेजूँ तो बनेगा ए साइन अल्फा। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कंपेयर करूँ तो यहाँ भी ए साइन अल्फा है और यहाँ भी ए साइन अल्फा है। ठीक है, तो मैं देखो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये वाला भी इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब बोल सकते हैं कि तीनों एक दूसरे से इक्वल है। ठीक है, और ये जो लॉ है इसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ साइन। लॉ ऑफ साइन क्या है ये भी मैथ्स में आप पढ़ेंगे, वो इस ट्राइंगल में अगर देखें तो ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है, बी रिप्रेजेंट कर रहा है। इस ए के अपोजिट जो एंगल है वो एंगल अल्फा है, और जो बी के अपोजिट जो एंगल है वो बीटा है, पर आर के अपोजिट एंगल थीटा नहीं है। यहाँ पर जो एंगल होगा वो क्या होगा 180 माइनस थीटा, और अगर हम लोग 180 माइनस थीटा लेंगे साइन का वैल्यू
कम्युनिटी माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही आता है, इसीलिए मैं यहाँ पर साइन थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस रूल क्या बोलता है कि आर जो ये वेक्टर है ना आर, तो उसके अपोजिट एंगल, ठीक है, जैसे यहाँ पर आर अपॉन साइन थीटा ए अपॉन साइन बीटा, वेक्टर ए है उसके अपोजिट एंगल साइन अल्फा, ये बी इसके अपोजिट एंगल साइन बीटा, तो ए आर अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा, ये लॉ ऑफ कोसाइन है। इसका यूज़ हम लोग लॉज ऑफ मोशन में कंपोनेंट निकालते वक्त रहेगा। ठीक है, जब दो दिया रहेगा और एंगल्स दिए रहेंगे तो रिजल्ट निकालते वक्त लॉ ऑफ कोसाइन हम लोग यूज़ करते हैं। अब अगर हम लोग को डायरेक्टली अल्फा का एंगल निकालना हो, ये तो फॉर्मूला लॉ ऑफ कोसाइन डिराइव किया यहाँ पर, तो हमें सिर्फ डायरेक्टली एंगल निकालना हो तो उस वक्त क्या करेंगे, अगर हमें सिर्फ एंगल निकालना हो तो हम टेन थीटा लगा देंगे, इस बड़े ट्राइंगल अगर टेन थीटा लगाऊँ मैं, तो टेन थीटा क्या होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ओ क्यू अपॉन ओ एन। ठीक है, तो ओ क्यू क्या है आपका, ए साइन थीटा, एडजेसेंट ओ एन क्या होगा, बी प्लस ए कॉस थीटा, तो बी प्लस ए कॉस थीटा। अब मुझे अल्फा अगर चाहिए सिर्फ एंगल चाहिए, तो टेन इनवर्स ऑफ दिस वैल्यू, तो ये अल्फा है ये मेरे को मिल जाएगा डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, अब हम देखने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया है, और वहाँ पर एक वेक्टर आर ड्रॉ किया हुआ है। अब वेक्टर आर पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है। ठीक है, तो मुझे इस वेक्टर को रिजॉल्व करना है अलॉन्ग द एक्स एक्सिस एंड अलॉन्ग वाई एक्सिस। रेजोल्यूशन मतलब क्या होता है, किसी वेक्टर का वैल्यू अलॉन्ग किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितना होगा उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन। मतलब इस वेक्टर आर का एक्स एक्सिस में कितना वैल्यू होगा, मैं उसे मुझे तो पता नहीं कितना, तो मैं उसे मान रहा हूँ कि वो आर एक्स है और जो वाई एक्सिस में है वो आर वाई है। ठीक है, तो हम जैसे मैं इसको क्या रेक्टेंगल ऐसे बना दिया, तो ये आर वाई है तो ये भी आर वाई होगा, ये आर एक्स है तो ये भी आर एक्स होगा। अब ये एंगल थीटा है, अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल में देखूँ ओ ए बी में, ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल थीटा है, तो मैं साइन थीटा लगाऊंगा तो क्या होगा, आर वाई अपॉन मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आर वाई क्या होगा, आर साइन थीटा। तो इसीलिए कभी किसी भी, तो हमें आर वाई मिला आर साइन थीटा, उसी तरह से अगर मैं कॉस थीटा निकालूँ तो क्या होगा, आर एक्स एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आर एक्स क्या बनेगा, आर कॉस थीटा। तो मतलब किसी भी वेक्टर का अगर एंगल थीटा है, ठीक है, मतलब ये वेक्टर है आर, और ये जिस भी एक्सिस से एंगल थीटा बना रहा है उस एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट होगा ना वो हमेशा आर कॉस थीटा होगा, और उससे परपेंडिकुलर जो एक्सिस होगा उसके अलावा जो कंपोनेंट होगा वो आर साइन थीटा होगा। ठीक है, अभी मैंने क्या किया यहाँ पर, ये मैं यूनिट वेक्टर आई लिया है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और यूनिट वेक्टर जे लिया है अलॉन्ग वाई एक्सिस। अब इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आर एक्स है, तो मैं जैसे मैंने पहले किया था कि वेक्टर आर को रिप्रेजेंट किया था एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, मतलब वाई मैग्नीट्यूड है उस डायरेक्शन में, और जो डायरेक्शन है वो जे के अलॉन्ग है, मतलब वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। वो उसी तरह से मैं वेक्टर आर को लिख सकता हूँ आर एक्स कैप, मतलब आर जो है ना आर 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 एक्स आई कैप, जो आर एक्स है वो क्या है, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड है उस वेक्टर आर का अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और जो वो जो एक्स एक्सिस है वो शो कर रहा है विद आई कैप, उसी तरह से आर वाई जे कैप। तो इसमें मैं वेक्टर आर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में कुछ नहीं, जो भी एंगल दिया है ना उस एंगल के अलॉन्ग आर कॉस थीटा होता है, उससे परपेंडिकुलर आर साइन थीटा होता है, वो कैसे आता है मैंने यहाँ पर कुछ ड्राइव करके दिखा दिया है।